कुदरत के घर से समग्र मानव जाति को एक महान वरदान उपलब्ध है। और ये वरदान है इंसान के सोचने और बोलने की क्षमता। चिंपैंजी और मनुष्य के जीन्स में प्रतिशत सारे जीन्स मिलते हैं, लेकिन 2% जीन्स ऐसे हैं जो चिंपैंजी में नहीं है और मनुष्य में है, लेकिन ये 2% जीन्स ही समग्र मानवीय सभ्यता और संस्कृति के पैमानों को स्थापित करने में मददगार बने हैं। और उन्हीं जिन्स की बदौलत इंसान को 2 खास ऐसे तत्व उपलब्ध है जो कि चिंपैंजी में नहीं है। और ये वो 2 तत्व हैं। पहला है इंसान के द्वारा सोचने की क्षमता और दूसरा है इंसान के द्वारा किसी भी वस्तु या विषय पर अभिव्यक्ति की क्षमता। इंसान के पास अगर बेहतरीन सोचने की कला हो, द आर्ट ऑफ थिंकिंग, तो इंसान के लिए इंसान की यह सोच उसके जीवन की सबसे महानतम उपलब्धि है। और इंसान के पास रहने वाली बोलने की क्षमता, द एबिलिटी ऑफ टॉकिंग, ये वो क्षमता है कि अगर इंसान को बोलने की कला अगर ढंग से आ जाए तो इंसान के लिए यही अभिव्यक्ति की कला उसके समाज, उसके व्यापार, उसके जीवन की सफलता और कैरियर पर अत्यधिक प्रभावशाली अपना वजूद डालेगी। कुदरत ने इंसान को बोलने की केवल क्षमता दी है, लेकिन कोई भी इंसान बोलने की क्षमता का किस तरह से उपयोग करता है यह स्वयं इंसान पर ही निर्भर करता है। इंसान का दिमाग तो ऐसी किसी उपजाऊ भूमि की तरह होता है कि इसमें लगातार पैदावार होती चली जाती है। अगर हम इसमें नकारात्मक बीज बोते हैं तो नकारात्मक फसलें पैदा होती चली जाएंगी, और अगर हम सकारात्मक बीज बोते हैं तो सकारात्मक फसलें पैदा होंगी। यदि हम क्रोध, गाली गलौज, ईर्ष्या, नफरत, इस तरह के अगर नकारात्मक भावों को अपने दिमाग की जमीन में अगर बोएंगे तो परिणाम स्वरूप यही क्रोध, गाली गलौज, नफरत, ईर्ष्या, घृणा, यही सब आएंगे। और वहीं अगर हम प्रेम, शांति, भाईचारा, करुणा और आनंद जैसे बीज अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने मन में बोएंगे तो हमारे भीतर से फसलें भी तब वैसे ही निकलकर आएंगी। और से अनार होता है, और से अनार होता है, और से अदब होता है।
ये इंसान पर निर्भर करता है कि वो अपनी वाणी का उपयोग अर्थ से अनार के लिए करता है या अर्थ से अदब के लिए करता है। अब सब बात से बकरी होता है और बात से बहादुरी होता है, ये इंसान पर आधारित है कि वो अपने द्वारा अपने जबानी के द्वारा बात से बकरी बोलता है या बात से बहादुरी के गीत लिखता है। कहने के नाम पर सब से सच्ची होता है, लेकिन उसी सब से ही सफलता की इबादत लिखी जाती है। ये इंसान पर निर्भर करेगा कि इंसान सब से सब्जी बनाएगा या सब से सफलता बनाएगा। सब से सत्य भी होता है और सब से सत्यनाश भी होता है, घर से गधा भी होता है और घर से गणेश भी होता है। ये तो इंसान पर निर्भर करता है कि इंसान अपनी जुबान का उपयोग घर से गधे के लिए करता है या गणेश के लिए। मैं नहीं जानता कि जुबान से गणेश बोलने से इंसान की जीभ कितनी पवित्र होती है, लेकिन गर से गधा बोलने पर इंसान की जीभ भी खराब होती है और जिसके लिए कहा जाए उसका दिल भी खराब होता है। मैं गुजर रहा था एक रास्ते से कि तभी मुझे एक गंजा व्यक्ति नजर आया। पहले भी मिला हुआ था, लेकिन जब पहले मिला तो उसके सिर पर बाल थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, भाई तुम्हारा ये सिर अचानक गंजा कैसे हो गया? तो कहने लगा, साहब इस जीभ के कारण गंजा हो गया। मैंने कहा, भाई आज तक मैंने ये बात नहीं समझी। मैंने ये तो सुना है कि हीमोग्लोबिन कम होने से, शरीर में कोई रासायनिक कमी होने से या अन्य कोई वजह से किसी व्यक्ति के सिर के बाल उड़ सकते, लेकिन जीव के कारण ये बात समझ में न आ पाई। कहने लगे, साहब जीव के कारण ही ये सिर के बाल उड़े हैं। मैंने पूछा, जरा खुलासा तो करो। बोले, साहब जीव चलती रही और सिर पर जूते पड़ते रहे। जीव चलती रही और सिर पर जूते पड़ते रहे। इंसान अगर जिस जुबान का उपयोग करता है, अगर इस जुबान का ठीक से इस्तेमाल करना ना आए तो सिर के बाल उड़ सकते हैं, और जुबान का अगर ठीक से इस्तेमाल करना आ जाए तो याद रखना, गलत इस्तेमाल करने पर लोगों के जूते तुम्हारे सिर पर पड़ेंगे, और अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो लोगों के सिर तुम्हारे जूते में आकर के गिरेंगे। आज मैं जिस बिंदु पर चर्चा करूंगा वो बिंदु केवल आपके 2 इंच बाई 1/2 इंच के व्यास में फैली हुई इन होठों से जुड़ी हुई बातें हैं। लोग समझते हैं होठों पर लिपस्टिक लगाने से होठ सुंदर लगते होंगे। कुदरत के घर से हर किसी इंसान को गुलाबी होठ मिला करते हैं। पूरे शरीर में एकमात्र होठ ही ऐसे तत्व है जो गुलाब के फूल की तरह होती है। इंसान को अगर समझ ना आए तो इंसान इन्हीं गुलाबी होठों को मुर्दे की तरह बना बैठता है, कुंडाए हुए फूल की तरह बना बैठता है। पर अगर इन होठों को आप गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अगर खोल ले, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अगर इन्हें हम खिला ले, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अगर हम मुस्कान से भर ले तो ये होंठ होंठ नहीं रहेंगे, ये होंठ गुलाब के फूल बन जाएंगे। मुझे नहीं पता कि किसी पत्नी के होठों को चूमने से किसी को क्या मिलता है, किसी पति के होठों को चूमने से क्या मिलता है, लेकिन जिसकी जुबान मीठी हुआ करती है वो व्यक्ति, हर व्यक्ति के होठों को तो चूमा नहीं जा सकता, पर गुलाबी होंठ अगर मुस्कुराते हुए हो तो दूर से देखकर ही ऐसे लगता है जैसे कि हमने इसके होठों को चूम करके अपने जीवन का आनंद ले लिया हो। ये जुबान इंसान पर निर्भर करेगा कि इसका आदमी किस तरह से इस्तेमाल करता है। कुदरत
उसने अगर लाठी को जन्म दिया है तो ये इंसान पर निर्भर करेगा कि इंसान लाठी से किसी बूढ़े का सहारा बनता है या किसी बूढ़े की पीठ पर लाठी का प्रहार टिकाता है। ये हमारे इस दिमाग पर, इस सोच पर निर्भर करेगा। मैंने पहले कह दिया दो उपलब्धियां हैं, एक है सोच और दूसरी है अभिव्यक्ति। यहां गड़बड़ी तो यहां भी गड़बड़ी, यहां ठीक यहां ठीक, जिंदगी ठीक। राइट थिंकिंग, राइट टॉकिंग, दैट मीन्स राइट लाइफ। अगर अच्छे सोचते हो और अच्छे अगर बोलते हो तो राइट थिंकिंग प्लस राइट टॉकिंग दैट मीन्स राइट लिविंग। आदमी की जिंदगी अपने आप ही तब ठीक हो जाएगी अगर आदमी सही सोचेगा और सही बोलेगा। तो लाठी है पर लाठी से प्रहार करोगे या सहारा दोगे? माचिस की तीली है, उस तीली से किसी झोपड़ बस्ती के अंधेरों को दूर करोगे या उनकी झोपड़ियों में आग लगाओगे? ये सब कुछ हम पर निर्भर करेगा। बोलना एक बहुत बड़ी कला है। ये जो 2.5 इंच की जीभ है ये बहुत बड़ी करामात करती है। बोलने की कला अगर आ जाए, ठीक से अगर बोलने की कला आ जाए तो याद रखिएगा जिंदगी की आधी समस्याएं इंसान की भाषा के कारण पैदा होती हैं और इंसान की जिंदगी की 90% समस्याएं इंसान की केवल इस भाषा के द्वारा सुलझ सकती है। 90% समस्याएं। तुम अगर दो भाई हो, एक भाई अगर ग्राहक के साथ भीड़ पड़ता है पर दूसरा भाई अगर अपने ठंडे मिजाज का मालिक है तो तुम्हारे टूटे हुए ग्राहक को फिर से वापस तुम्हारी दुकान पर ले आएगा। पर तुम अगर दोनों ही अड़ियल कट्टू हो गए तो लात मारने के सिवा और कुछ न करोगे। और अगर ऐसे ही रोज अपने आड़ू अपरूपन के चलते अगर ग्राहकों को तोड़ते रहे तो एक महीने बाद ऐसी स्थिति बन जाएगी कि तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं होंगे, या तो आड़े में गणेश जी होंगे या तुम्हारे हाथ में केवल अगरबत्ती होगी और कुछ नहीं होगा। ये भाषा, ये जबान जिसके ऊपर लोग लगाते हैं मूंछों पर ताव पर दे नहीं पाते हैं अपने जुबान पर लगाम, परिणाम ये निकलता है। भाई जुबान का अगर ढंग से इस्तेमाल करना आ जाए तो मीठी पुचकार से आदमी हाथी को भी हांक सकता है, और अगर इसका इस्तेमाल न करना आए तो चींटी भी हाथी को मात दे सकती है। संत कन्फ्यूशियस अपने जीवन के अंतिम काल में जब समाधि लेने को जा रहे थे, अपने नश्वर शरीर का त्याग करने के लिए जा रहे थे, संत कन्फ्यूशियस ने अपनी कब्र खुदवाई। उसमें उतरने से पहले उन्होंने अपने सारे शिष्यों को अपने करीब बुलाया। 90 वर्ष की व्यक्ति थे, उन्होंने अपने करीब बुलाकर अपने शिष्यों से कहा कि जरा मेरे मुंह में नजर डालकर देखो तो सही कि क्या दिखाई देता है। शिष्यों ने मुंह में नजर डाली तो देखा कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। गुरु ने पूछा क्या कुछ नजर आ रहा है? बोले नहीं, कुछ भी नजर नहीं आता। बोले क्यों भाई, जीभ नजर नहीं आ रही? बोले हां सब, जीभ तो नजर आ रही है तो क्या दांत भी नजर आ रहे हैं? बोले नहीं सब, दांत नजर नहीं आ रहे, आप बूढ़े हो गए, गिर गए ना, केवल जीभ ही नजर आ रही है। कन्फ्यूशियस ने पूछा वत्स, जरा एक बात बताओ कि दांत पहले क्यों गिर गए और जीभ अभी तक क्यों बाकी है? शिष्यों ने कहा भगवान, दांत कठोर होते हैं इसीलिए वे पहले गिर जाया करते हैं, तो ये जीभ अभी तक क्यों नहीं गिरी? बोले जीभ नरम होती है इसलिए वो लास्ट तक बची हुई रहती है। कन्फ्यूशियस ने कहा कि बस मैं तो जा रहा हूं लेकिन जाने से पहले आप सब
सब लोगों के नाम पर जीवन का ये पाठ दे देना चाहता हूं। और पाठ यही है कि जो कठोर होता है वो पहले गिरता है, जो नरम होता है वो आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ है। कुदरत को नाम पसंद थी, कुदरत को नाम पसंद थी, सबकी जुबान में पैदा हुई ना इसीलिए हड्डी जुबान में। कुदरत को नाम मंजूर थी, सबकी जुबान में पैदा हुई ना इसीलिए हड्डी जुबान में। जीव ने हड्डी को जन्म नहीं दिया ताकि जीव हमारी लचीली रह सके। जो लचीला होता है, जो वातावरण में एडजस्ट हो सकता है, वह व्यक्ति कभी भी मात खा करके वहां से नहीं निकलता। लेकिन जो आदमी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया न फल लगे अति दूर। अगर कोई इंसान अंजूर की तरह अकड़ा हुआ रहता है, खजूर की तरह कठोर रहता है, तो हुजूर वो आदमी केवल मजदूर ही रहता है। ये जुबान, महावीर प्रभु तो कहते हैं कि इंसान के पास अगर एक भाषा समीप ढंग से बोलने की अगर कला आ जाए तो इंसान केवल अपनी इस भाषा के जरिए समाज में लोकप्रिय हो सकता है और अपने लिए स्वर्ग का रास्ता भी खोल सकता है। अगर इसका बेढंग से इस्तेमाल करोगे तो पहला दोष हिंसा का पाप लगेगा, दूसरा दोष ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे तो निंदा आलोचना का दोष लगेगा, तीसरा दोष लोग तुम्हें फूटी आंख भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, चौथा दोष घर परिवार में तुम्हें आरू आदमी के रूप में पहचाना जाएगा, पांचवा दोष ग्राहक तुम्हारी दुकान पर आना पसंद नहीं करेंगे। ग्राहक तो छोड़ो, आड़ू आदमी के पास तो मक्खी भी आकर नहीं बैठती, ग्राहक कहां से आकर बैठेगा। आड़ूपन का मतलब ये थोड़ी है कि आप कमर सीधी करके बैठे, आड़ूपन का मतलब ये कि जुबान में हड्डी लगा दी है और हड्डी लगा दी तो आपको बिल्कुल सख्त निकलती है, नरमाहट नहीं है। कन्फ्यूशियस ने कहा जीव अंत तक रहती है क्योंकि जीव नरम होती है। दुनिया में दो प्रकृति के लोग होते हैं, एक होता है गर्म, दूसरा होता है नरम। दोनों प्रकृतियां होती हैं, एक होता है गर्म, दूसरा होता है नरम। अगर कोई आदमी बुजुर्ग है, 80 साल का डोकरा है, मेरी समझ से दुनिया में कोई भी संतान और कोई भी बहू ऐसी नहीं है जो अपने बूढ़े माँ बाप या अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर के अपना घर अलग बसाना चाहे। लेकिन बुजुर्ग लोग, माँ बाप, सास ससुर अपनी जीभ को नियंत्रण में नहीं रखते, जीभ को नरम बनाकर नहीं रखते और मन में आए जैसे टोका टोकी हस्तक्षेप टिप्पणियां करते रहते हैं, तो बहू भी सोचती आ रही है ये रोज रोज की माथा पूरी करने की बजाय तो घर अलग बसा लो। अगर एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी सुख से अपनी जिंदगी काटना चाहता है तो मैं कहूंगा जो जो उम्र ढलती जाए त्यों त्यों अपनी जीभ को लगाम दे दो। जिंदगी भर बहुत बोल लिए तब तक आपकी जिंदगी में जोश था, कमाने की ताकत थी, छोरे छोरियां तुम्हारे कब्जे में थे, तब तक तुम्हारे जो मन में आया तुम बोलते चले गए, वो हजम कर गए। अब तुम ढलने लग गए हो, अब सूरज ढल रहा है और ढलता हुआ सूरज अगर दोपहर जैसी धूप दिखाएगा तो क्या होगा। ढलता हुआ सूरज अगर दोपहर जैसी धूप दिखाएगा तो होगा क्या, तो तुम्हारे बेटी और बहू तुमसे जुदा हो जाएंगे। अगर कोई भी बुरा बुजुर्ग आदमी मौन रखने की अगर कला सीख जाए कि कम बोलेंगे, पूछेंगे तो बोलेंगे, फिर पूछे नहीं बोलेंगे, भाई राम जेठमलानी बन जाओ कि सलाह देंगे तो सलाह के 11,000 पहले फीस दिखाए, मुफत की सलाह मुफत की सलाह की कीमत नहीं होती। मुफत की किसी को टॉफी दे दो तो भी कीमत नहीं होती, खाता है तो खाता नहीं तो फेंक देता है। पर अगर कोई आदमी 2 रुपया देकर के अखबार खरीदता है तो पहली पंक्ति से लेकर के 16वें पेज की अंतिम पंक्ति तक राष्ट्र उसको चाटता ही रहता है क्योंकि 2 रुपये खर्च किए,
तो सलाह भी, कोई मांगे तो दो, बिन मांगे सलाह अगर हम देंगे तो दे तो दो, पर लेने वाला उसे लेगा ही, ये कोई गारंटी नहीं है। पहली बात, सलाह मत दो। दूसरी बात, अगर सलाह दो तो तीसरी बात, ये अपेक्षा मत रखो कि मैंने जो सलाह दी है उसका पालन किया जाए, क्योंकि अगर अपेक्षा रखोगे तो दिल में ठेस पहुंचेगी और मन कहेगा कि अगर तुम्हें मेरे हिसाब से नहीं चलना था तो मुझे पूछा ही क्यों। अरे भाई, तुझे पूछा था इज्जत देने के लिए पूछा था, इसलिए थोड़ी पूछा था कि तुम्हारे हिसाब से मुझे चलना और जीना है। इज्जत देने थी कि पापा से पूछ लेते, बड़े भैया से पूछ लेते, वो तो केवल इज्जत का रास्ता था, तुमने उसे गुलामी और अनुशासन का रास्ता बना लिया। जरा मुंह की ओर गौर करो और देखो कि आपके जीभ कितनी है, कितनी है कि नहीं है, मुझे डाल के देख लो, जीभ कितनी है। भाई, संत की एक जीभ होती है, सांप के दो जीभ होती है, संत की एक जीभ होती है, सांप के दो जीभ होती है, रावण की 10 जीभ थी, शेषनाग की 1000 जीभें कहलाती है, तो दे दो भाई आपकी जीभ कितनी। जो लोग अपनी जबान को बार बार पर बरतते रहते उनकी जीभ कितनी है पता नहीं चलता कि उनकी जीभ कितनी है। जो लोग बार बार पर अपनी जबान पलट बैठते हैं उनकी जीभें कितनी है पता नहीं, वो शेषनाग कितने 1000 जीवों वाले हैं कि रावण किस तरह है 10 जीवों वाले हैं, या सांप की तरह 2 जीवों वाले हैं। संत के तो एक जीव होती है, और संत का मतलब कोई बेशबाना बदल लेने से नहीं है, संन्यास तो भीतर की मानसिक दशा है, मानसिक अवस्था है। भीतर में अगर आदमी संत है तो संत है, केवल कपड़े पहन लेने से अगर कोई आदमी संत हो जाता तब तो हर गधा शेर की खाल ओढ़ करके शेर नहीं हो जाता, हर गधा शेर की खाल ओढ़ करके शेर बन जाता। भीतर में एक जुबान हो जानी चाहिए, जुबान देखो भीतर कितनी है, अपने अपने आप को तौलो तो पता चलेगा कि मेरी जुबान कितनी है, और जुबान के आगे अगर देखो दांत कितने हैं। कोई बच्चा है तो दांत आ रहे होंगे, कोई बड़ा है तो 24 दांत होंगे, और बड़ा हो गया तो 28 और 32 दांत होंगे, और जिनकी उम्र ढलने लगी उनके दांत जबाड़े भीतर से दांत गिरने लग गए होंगे। दांत और जबान, दांत होते हैं 32, जबान होती है 1। जबान का अगर ठीक से इस्तेमाल करते रहोगे तो ये 32 ही आपकी सुरक्षित रहेगी, और अगर जबान का गलत इस्तेमाल कर बैठे तो अगले का एक मुक्का भी तुम्हारी 32 को तोड़वा देगा। ऐसा हुआ इसी चौराहे पर, दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे, एक ने कहा कि अगर तब एक मुक्का मारा तो 32 ही तोड़ दूंगा, दूसरे का डार एक दांत तेरे जैसे बहुत देखे हैं, अगर मैंने मुक्का मारा तो तेरे 64 ही तोड़ दूंगा। पास में खड़ा था, कौन खड़ा था जानता तो ऊपर नाम नहीं बताऊंगा, नाराज हो जाएगा। तो पास में जो आदमी खड़ा था उसने कहा, रुको भाई, एक बात समझ में ना आ पाई, अरे ये तेरे मुक्का मारेगा 32 ही तोड़ेगा, बात समझ में आती है, तू मुक्का मारेगा 64 ही कहां से तोड़ देगा। उसने कहा, मुझे पता था तू जरूर बीच में बोलेगा, मुझे पता था कि तू जरूर बीच में बोलेगा 32 इसके और 32। संभल कर जीभ का इस्तेमाल कीजिए, ये बड़ी बेशकीमती चीज है, ये ऐसे ही व्यर्थ में सांप की तरह फुफ बार बार चलाने के लिए नहीं है, ये रावण की तरह घमंड प्रकट करने के लिए नहीं है, ये संत की जीभ होनी चाहिए, संयमित ढंग से बोलेगी, मिठास से बोलेगी, कहे हुए शब्दों को निभाने के लिए बोलेगी, मुंह से वचन निकल गया यानी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। शब्द कोई दर्जी की कैंची नहीं है कि चलती रहे,
یہ جیب، یہ زبان، یہ آپ کے جیون کی بہت بڑی دولت ہے، اور یہ دولت ایسے ہی بات بات میں بولنے کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک سے سمجھو، ٹھیک سے اس کو جانو، اور ٹھیک سے اس کا استعمال کرنا سمجھو۔ مانا کہ آپ کا چہرہ سندر ہوگا، اسمارٹنیس، کیریئر کے نرمان میں، انسان کے جیون کی سفلتا میں ویکتی کی اسمارٹنیس کی بھومیکا 20% ہوتی ہے، لیکن اس ویکتی کے سویٹنیس کا حصہ 80% ہوتا ہے۔ ایک دکان پر گراہک بھرے ہوئے رہتے ہیں اور دوسری دکان پر کوئی نظر ہی نہیں آتا صبح سے لے کر سانس تک، اور وہ جس پر نظر نہیں آتا نا، وہ بیٹھا بیٹھا دن بھر سوچتا رہتا ہے، بھگوان کوئی گھٹی فٹ کر، کوئی گراہک کو بھیج۔ ایسا آدمی پھر یا تو جنم کنڈلی ہاتھ میں لے کر کے مہاراجوں کے چکر لگاتا رہے گا، مہاراج بتاؤ کون سا گھر گوچر کیا ہے۔ گھر میں دو بہویں ہوتی ہیں، ایک بہو ساسو کو بہت پیاری لگتی ہے، اور ایک بہو سامنے دکھ جائے تو بھیتر میں جلن ہو جاتی ہے، اور وہ دوسری بہو سوچتی ہے پتا نہیں میرے ساسو کے ساتھ گھروں کا کیا سنتولن نہیں ہے کہ میں اپنے ساسو کو اچھی نہیں لگتی۔ ارے میرے بھائی، تمہاری جنم کنڈلی میں کہیں گڑبڑی نہیں ہے، گڑبڑی ساری زبان میں ہے، تم ٹھیک سے نہیں بولتی تو ساسو کو ایسے لگتا ہے کہ تم بولتی ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی آگ ابل رہا ہے۔ ایک دکان پر گراہک جاتا ہے اور کہتا ہے کپڑے کی دکان ہے، آدمی جاتا ہے اور کہتا ہے بھیا تھوڑا کپڑا دکھانا، تو وہ کپڑا دکھاتا ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ ارے بھائی کپڑا دیکھے تو پسند کریں گے نا، دوسرا تھان نکل گیا، تیسرا تھان نکل گیا، چوتھا تھان نکل گیا، تجھے لینا ہے کیا لینا ہے؟ کیول تھان پر تھان کھلواتا چلا جا رہا ہے، لینا کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ نہیں نہیں کچھ نہیں لینا ہے، اور نکل جاتا ہے۔ لینے کے لیے آیا تھا مگر ہم اس کو ٹھیک سے ٹیکل نہ کر پائے تو وہ ہماری دکان سے نکل جاتا ہے اور سامنے والی دکان پر جاتا ہے، ایک تھان کھلواتا ہے، دوسرا کھلواتا ہے، تیسرا کھلواتا ہے، چوتھا، 10, 20, 50, 100 تھان کھلوا دیتا ہے، اور جب 100 تھان کھل جاتے ہیں کہتا ہے ہاں مجھے دوسرا تھان دیکھا تھا نا، اس کا کپڑا ٹھیک جچا، آدھا میٹر پھاڑ کے دیتا ہوں۔ اب پھر آپ ہمارے بولنے کی طرف سے ہمارے لیے کام آئے گی کہ آدھا میٹر سنا، اور سنتے ہی اگر آپ ببولا ہو بیٹھے تو گاہک دوبارہ نہیں آئے گا، پر اگر آپ یہ کہیں گے ہاں صاحب بالکل آدھا میٹر لیجیے نا، کہاں دقت ہے، بولے بھیا معاف کرنا میں نے آپ کے سارے تھان کھلوا دیا، جی صاحب ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ روزانہ دن پر تھان کھلوا کر کے گراہکوں کو دکھانا، آپ کو چوتھائی میٹر پسند آئے تو آپ چوتھائی میٹر لیجیے نا، دقت کہاں ہے۔ آدمی آدھا میٹر کپڑا خریدتا ہے، چلا جاتا ہے، سانس کو وہی ویکتی کار میں بیٹھ کر آتا ہے، دکان پر پتر تھماتا ہے، اور اس پتر میں لکھا ہوا ہوتا ہے میں اپنی کمپنی کا دلال آپ کو نیوکت کرتا ہوں، کیونکہ میں آدھا میٹر کپڑا خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اس دکاندار کی تلاش کرنے آیا تھا جس دکان میں اتنی شانتی اور دھیرے، جس دکاندار میں اتنی شانتی اور دھیرے ہو، میں تو کیوں یہ تلاش کرنے کے لیے آیا تھا۔ تمہارا پڑوسی جو کہ روزانہ آگے بتیاں کھیتا رہتا ہے لیکن اپنی زبان کا ٹھیک سے استعمال نہیں کرنا جانتا، وہ غریب تھا، ہے، رہے گا۔ اور جس آدمی کو زبان کا ٹھیک سے استعمال کرنا آتا ہے اس کی جنم کنڈلی میں بڑی سارا ساتھی بھی کیوں نہ لگے ہو، یاد رکھیے گا جو آدمی ٹھیک سے زبان کا استعمال کرتا ہے اس آدمی پر کتنی بھی بڑی سارا ساتھی کیوں نہ لگی ہو، پھر بھی وہ آدمی عزت کی زندگی جی جائے۔ ان ہاتھوں کی شوبھا کس میں ہے؟ پروش لوگ کیا پہنتے ہیں؟ کیا پہنتے ہیں؟ چوڑیاں۔ پروش لوگ براسلیٹ پہنتے ہیں، مہیلائیں ہیروں کی چوڑیاں پہنتی ہیں۔ پروش لوگ گلے میں سونے کی چین پہنتے ہیں،
और महिलाएं गले में हीरों का हार पहनते हैं तो लगता है आज तनातन। लोगों की नजर में हीरे और जवाहरात उसके हाथों और गले की शोभा बनाते होंगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इंसान की असली शोभा हीरों का हार नहीं है, सोने की चैन नहीं है। इंसान की असली शोभा उसकी मीठी मधुर मुस्कुराती हुई जुबान हुआ करती है। इन हाथों की शोभा दान से होती है, इस दिल की शोभा दया से होती है, और जबान की शोभा मीठे वचनों से हुआ करती है, मीठे वचनों से। बोलने के लोगों के अपने अपने सबके तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कल की ही बात है, एक दादा से ऊपर जा रहे थे दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल की तरफ, कि तीसरी मंजिल पर जाना था तो जाने से पहले उन्होंने रजा लेनी चाहिए कि साहब मैं ऊपर जाता हूं, तो वो तो ये कहकर के ऊपर निकल के पीछे उनका बेटा था, उसने कहा मैं आपकी सदगति की प्रार्थना करता हूं। बोलने के अपने अपने तरीके होते हैं, कौन आदमी कैसे बोलता है ये तो अपनी अपनी जुबान पर निर्भर करता है। आप गाली निकालते हुए बोलेंगे या गीत गाते हुए बोलेंगे, फिर पहले ही कह दिया अ से अनार भी होता है और अ से अदब भी होता है, ब से बै बै बकरी भी होता है और ब से बहादुरी के गीत भी लिखे जाते हैं। इंसान पर निर्भर करेगा। तो दादाजी जाते हैं ऊपर, लेकिन पीछे से बेटा कहता है मैं आपके सदगति की प्रार्थना करता हूं। बेटा पहले से इंतजार कराएगा पापा जी, दादाजी ऊपर जाए। ऐसा हुआ कि एक आदमी चल रहा था, साइकिल पर जा रहा होगा कि अचानक सामने बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आ गया, जाकर उससे टकरा गया और टकराते दादाजी गिर पड़े, साइकिल वाला भी गिर पड़ा। और जैसे ही साइकिल वाला वापस खड़ा हुआ कि दादाजी ने जेब में हाथ डाला, कपड़े झटकाए, जेब में हाथ डाला, पांच का नोट निकाला और उस साइकिल से टक्कर देने वाले को पांच का नोट पकड़ाया। वो चौंका, साहब मैंने तो गलती की, आपको टक्कर देकर के नीचे मार गिराया और आप उसके बदले मुझे पांच रुपए का सिक्का दे रहे। बोले भाई अंधे को दान देना मेरा कर्तव्य है, अंधे को दान देना मेरा कर्तव्य। सबके बोलने की अपनी अपनी स्टाइल होती है, धक्का मारने की अपनी स्टाइल होती है और किसी को समझाने की अपनी स्टाइल होती है। ऐसा हुआ, ये यहां पर जो बेकरी की दुकान है ना, गरीब बेकरी, यही नाम है ना सबसे अच्छा नाम है, गरीब बेकरी की दुकान पर एक आदमी गया और जाकर के बोलने लगा, अरे कुत्तों के बिस्किट है, कुत्तों के बिस्किट है। गरीब बेकरी वाले ने कहा, क्यों साहब यही खाएंगे या पैक कर दो, यही खाएंगे या पैक कर दो। ऐसा हुआ, एक आदमी किसी नाई की दुकान पर गया और जाकर कहने लगा, क्या तूने किसी घड़ी की हजामत बनाई है? बोले सर बनाई तो नहीं, आप बैठिए अभी ट्राई कर लेता हूं। अब बैठिए तो सही, अभी ट्राई कर लेता हूं। बोलने के अपने अपने तरीके होते हैं, कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, कोई इज्जत देते हुए बोलता है, कोई इज्जत उतारते हुए बोलता है, कोई पगड़ी पहनाते हुए बोलता है, कोई अगले के कपड़े फाड़ते हुए बोलता है। सबके बोलने के अपने अपने तरीके। पगड़ी पहनाते बोलोगे तो अगला भी आपको पगड़ी पहनाएगा, और अगले के कपड़े उतारते बोलोगे तो अगला भी आपके कपड़े उतारेगा। ऐसा मत समझना भाई कि तुम ही पहलवान हो, अगला भी कोई कम नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल आपने ही मोटी मम्मी का दूध पिया होगा, उसने भी भली पतली मम्मी का दूध पिया होगा, पर दूध तो उसने भी पिया है, दूध में कोई फर्क नहीं था। यह मत सोचना कि अगले में ताकत नहीं है, ठीक है आज थोड़ा सा आपका रुतबा थोड़ा ठीक है तो आप थोड़ा यू जोश में आकर बोल सकते हो, उसके पास दूध पैसे थोड़े कम है इसलिए वो थोड़ा सा कमजोरी से बोल पाता होगा, झेल रहा होगा। पर सावधान, आज जिसको आपने गाली दी है, गाली कभी एक गाली नहीं रहती,
गाली हमेशा दिल को चुभती है और वो मन ही मन एक ही दो होती है, दस होती है, ग्यारह होती है, और जब मौका आता है ना तब वो आपको वापस एक के बदले में 111 लौटाता है। हर कोई व्यक्ति अपने को लगता है कि नौकर नौकर है, घर के ताले की थप्पड़ मार दूंगा, झट में जोश आता है, क्रोध आता है और अपन कह देते हैं। लेकिन भाई साहब आपको लगता है आपने कह दिया साले को साला, पर वो साले को कभी माफ नहीं करेगा और एक दिन ऐसा आएगा मौका तलाशेगा और आपको हलाल करेगा, वहां से भाग जाएगा। गाली कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, जब भी हमारे मुंह से गाली निकलती है तो अगले वाले की तरफ से थप्पड़ और मुक्के की पहले से तैयारी हो चुकी होती है। इसलिए सावधान, दो पैसा दान दो या मत दो कोई दिक्कत नहीं, मंदिर जाओ या ना जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस जुबान का अगर ठीक से इस्तेमाल करते रहोगे तो आपका जीवन भी अपने आप में चलता फिरता मंदिर हो जाएगा। रोज रोज तो लोगों को बर्थडे पार्टी पर फूलों के गुलदस्ते नहीं दिए जा सकते, रोज रोज तो आपको एक पड़ोसी आकर के आपको 101 रुपए का लिफाफा देकर के नहीं जाएगा, पर रोज रोज दिया जा सकता है और वो है मीठी मधुर जुबान आपको जरूर दी जा सकती है। मीठी मधुर मुस्कान जरूर दी जा सकती है तुलसी मीठे वचन से, तुलसी मीठे वचन से सुख पहुंचे चहु और, तुलसी मीठे वचन से सुख पहुंचे चहु और। वशीकरण यह मंत्र है, वशीकरण यह मंत्र है, तजियो वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख पहुंचे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर, अपनी कड़क जुबान कड़क भाषा को छोड़ो, मीठो मीठो बोल, पत्थर का ही नहीं लगे, मरवा अपने का ही नहीं लगे तो भी आदमी पत्थर नहीं क्यों आड़ू बन जाए आखड़ू बन जाओ, और फट एक सेकंड लगता है किसी को गुस्सा चढ़ने में गुस्सा आने में एक सेकंड है, कुछ ज्यादा देर नहीं लगती है। किसी की भी परीक्षा करना हो कहता है साहब मैं बड़ा संत हूं मैं ये हूं, थोड़ा सा एक फुंजरी छोड़ जाए एक मिनट पता चल जाएगा कौन आदमी कितना संत है। सारे पढ़े लिखे गंवार सब कहते हैं, कोई कहता है एमबीएससी है, थोड़ा सा छेड़ के देखो पता चल जाएगा कितना चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कहता है एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट करना जानता हूं, अरे भाई तो लाइफ मैनेजमेंट तो जानता नहीं और बिजनेस मैनेजमेंट जानता हूं, थोड़ा सा कह दो और कहते ही ये था ना जैसे रावण काउंट का था क्रोध से, वैसे ही वो एमबीए था अपनी बीबीए के सामने वो ही काम में लग जाता और हक्का हुक्का करने लग जाता है। अरे यार ये बिजनेस मैन में तो कोई धीरू भाई अंबानी ने कोई एमबीए किया नहीं था, जो तुम सोचते हो कि एमबीए करने से ही आदमी की जिंदगी बनती होगी, राधेश्याम जी बिरला ने घनश्याम जी बिरला ने कोई सीए नहीं किया था, छठी फैल थे मगर फिर भी अरबों कमाने। मेरे भाई बिजनेस मैनेजमेंट सीखना जिंदगी की तरक्की के लिए बहुत बड़ा पायदान है, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट सीखना ढंग से बोलने की कला सीखना ये इंसान के लिए अंतिम सांस तक काम आने वाली कामयाबी है, अंतिम सांस तक। तुलसी मीठे वचन से सुख पहुंचे चहु, तुलसी मीठे वचन से सुख पहुंचे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। जरा कृष्ण को याद करो, क्या था उनका सब कुछ मीठा 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 था ना है, सब कुछ मीठा 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 था, होंठ भी कैसे थे मीठे काले थे हैं? रंग से काले थे मगर फिर भी होंठ उनके मीठे थे। अब साहब ज्यादा तो मुझे पता नहीं है, ज्यादा मजा तो गोपियों ने लिया होगा इसलिए उनको पता है, ज्यादा मजा तो गोपियों ने लिया होगा, पूरा वृंदावन उन्हीं की भक्ति से ही तो भरा हुआ था, पूरा वृंदावन उन्हीं की तो प्रेम का पागल था, सो उनको पता होगा कि कितने मीठे रहे होंगे अधर उनके। पर जैसा कि कहा जाता है अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम
मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम गमनम मधुरम हृदय मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब कुछ मीठा 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 अपन भी हो जाए ना मीठे 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 सब कुछ हो जाए मीठा 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 के मीठो मीठो बोलता कहीं लागे कहीं लागे कहीं लागे पर मैं गाऊंगा नहीं मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि पिछली दफा भी जब गाया था तो सारा शहर मीठा हो गया था, बच्चे मीठे हो गए, बच्चों ने माँ बाप का बोलना बंद कर दिया था। माँ बाप जैसे ही डांटने लगते कि बच्चा कहने लग जाता मम्मी मीठो मीठो बोल। लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करवा लिया था कि जैसे ही सामने वाला करे हाथ का कि अपन छोड़ दो हुक्का कि मीठो मीठो बोल थारो कहने लगे। हे श्याम तेरी मुरली पागल कर देती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर देती है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, शिवों के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवों के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, रानी मैदान में ही रहा ये हकीकत में बंदान ये खुद से उसका बांके बांके देखता है क्योंकि लोग उसको पसंद करते। आई लाइक माई टन I like your sweetness. क्योंकि मैं चाहता हूँ ये दिन भर आपके दिल में ये भजन घूमता रहे और रात को जब आप सोने जाए तो आज की रात नींद ना आए वरना आज की रात भर ये संगम और ये तराना अंतर मन में चलता हो रहा है। ये शाम तेरी मुरली पागल कर देती है, ये शाम तेरी मुरली पागल कर देती है, मुस्कान तेरी मीठी जय हो। अब मैं नहीं कहूंगा आपको याद हो जाना चाहिए। घायल कर देती है जय हो महावीर, जय हो काना कन्हैया, जय श्री राम। ये शाम तेरी मुरली पागल कर देती है, ये शाम तेरी मुरली पागल कर देती है, मुस्कान तेरी मीठी। ये तो ऐसा ही है, मुझे लगता है कि आपने बैठे बैठे सुन लिया तो मजा ही नहीं आया। अरे गीत हो जो गीत आपके केवल ताल ना बजाए, केवल मगन वाले की गाल ना बजाए, मरम पाँव में भी छिप कर लिया। Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho,
दादी अम्मा को अपन लोग गा के सुनाया करते थे ना, दादी अम्मा मान जाओ छोड़ो भी ये गुस्सा भरा नानी अम्मा नानी अम्मा मान जाओ छोड़ो भी ये गुस्सा भरा हंस के दिखाओ नानी अम्मा मान जाओ। और फिर भी अगर उनका गुस्सा खत्म ना हो तो क्या करोगे, क्या करोगे? मिठो मिठो बोलता मिठो बोलता मुझे भी ले जा सकते हो, मैं भी मिट्टी का मार दूं, ये कायम मिट्टी की बनिया मुझे ले जाने के खड़ा कर देना और तब मैं आऊंगा और मैं कहूंगा हे श्याम तेरी मोरैया। यदि तोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, बोले होते तो क्या करते योगेश, तेरी सांवर सूरत है तेरी सांवर सूरत है दुनिया मर जाती है, तेरी सांवर सूरत है दुनिया मर जाती है, शाम तेरी जब सदा घायल कर देती है, घायल कर देती है, घायल कर देती है, जो हिंद मेरो है गोपाल।
हे शाम तेरी मुरली पागल कर देती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर देती है। बोलने की कला अपने आप में जिंदगी की वो कला है जो इंसान की सारी कलाओं को सिरमौर बना दिया करती है। पर अगर एक बोलने की कला न आए तो याद रखना, धर्म की कला भी अधूरी कहलाती है, व्यापार की कला भी अधूरी कहलाती है, घर गृहस्थी को जीने की कला भी अधूरी कहलाती है। अगर वो कहीं से पूरी होती है तो वो है द आर्ट ऑफ टॉकिंग। बोलने की कला इंसान को आ जानी चाहिए। देखो अपन लोग बोले कैसे 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 बोले, मीठो मीठो बोले वो तो बात ठीक है। जैसे ही अपन जैसे ही किसी से मिलते हैं तो बोलने की शुरुआत कहां से करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी घर पर जाते हैं और जाते ही वो उसको देखता है क्या बोले, कुछ पता ही नहीं चलता भाई क्या बोले। तो मैं बताता हूं, जैसे ही आप किसी को देखें तो खुशबू बाद में बिखेरे, उससे पहले खुद गुलाब के फूल बच जाए। अपनी खुशबू बाद में बिखेरे गुलाब के, उससे पहले गुलाब के फूल हो जाए। अर्थात हमारी ये होंठ बांसुरी की तरह मीठे मधुर हो जाने चाहिए और ये खिल जाने चाहिए, गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा। कौन सा चेहरा? मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो अपने संवाद की शुरुआत कहां से करें? अपने संवाद की शुरुआत पहले मुस्कान से करें, क्योंकि अगर आप मुस्कुराते हुए चेहरे से नजर आएंगे तो अगला भी आपको देखकर मुस्कुराएगा, और अगर आप लख के चेहरे से नजर आएंगे तो अगला सोचेगा, यार इस आदमी से बोलूं तो क्या बोलूं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं भीतर से कोई नाराज तो नहीं है। और अगर मैं मुस्कुराता हुआ बोला और ये कहीं गुस्से में हो तो अपना गुस्सा मुझ पर ही दे डालेगा। तो इसलिए संवाद की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले क्या करो, स्माइल पेज, थोड़ा सा मुस्कुराओ। ज्यादा देर तक मत मुस्कुराना है, नहीं तो लोग सोचेंगे इसको लाफिंग क्लब में भेजो। हल्का सा मुस्कान अच्छी लगती है, राम मुस्कुराते अच्छे लगते हैं और रावण हंसता हुआ अच्छा लगता है। राम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं और रावण हंसता हुआ अच्छा लगता है। महावीर मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं और गौशालक हंसता हुआ अच्छा लगता है। और आप भी मुस्कुराते हुए अच्छे लगेंगे। हंसने का काम सड़क चलते सड़क छाप लोगों पर छोड़ दो, अपन तो केवल मुस्कुराने की आदत डाले। जब भी बोले बोलने से पहले मुस्कुराने, खाना खाए खाना खाने से पहले अपने चेहरे के और मन की दशा को ठीक कर ले और मुस्कुराने। रात को सोने के लिए जाए गले बीवी के पास जाते हो पर पहले मुस्कुराने उसके बाद सोने के लिए जाए। और आधी रात को अगर शंका हो जाए उसकी तो भी बाद में जाइएगा, उससे पहले उस डब्ल्यू सी को देख करके मुस्कुरा लीजिएगा और फिर फ्री होइएगा। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर देती है, श्याम तेरी मुरली पागल कर देती है। पहले मुस्कुरा लीजिएगा और उसके बाद में वाणी व्यवहार शुरू कीजिएगा। तो पहला काम बोलने की कला, द आर्ट ऑफ टॉकिंग। सबसे पहले मुस्कुराए और उसके बाद अगर आप फॉरेन में जाते हैं तो हाथ मिलाए, और अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो पांव छू करके प्रणाम करें। दोस्त आ गया हाथ जोड़िए प्रणाम कीजिए मुस्कुराते हुए, करीब दोस्त आ गया हाथ मिला करके हाय हेलो कीजिए। पर घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग आ गए तो उनके पांव छूने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कीजिए। अभी बोलना शुरू नहीं हुआ है, अभी तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और उनका फर्स्ट इंप्रेशन प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, व्यक्ति की दोनों चीजें प्रभावशाली होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, प्रभावी भी और आकर्षक भी। और आकर्षक किसी को भी आकर्षित करने के लिए क्या तरीके ढूंढ के निकालेंगे? सबसे पहले पांव छुए, वो जयपुर तक उदयपुर तक मत लाइए, अपने अपने शहर में वो कट मत लाइए,
लोग आजकल झुकते हैं ना ऐसे जैसे कि उनके कमर पर स्पाइनल कॉर्ड में कोई तकलीफ है, रीढ़ की हड्डियां हिल गई है, ऐसे जैसे कि मतलब उनको देखकर लगता है जैसे ये आदमी है या कोई जानवर की तरह मुड़ रहा है। पूरा झुको भाई, अगर आधा झुकोगे तो ये अदब तो जरूर कहलाएगी और से अदब, लेकिन किसी के चरणों की माटी को अपने शीश पर धारण करने का सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। और जब तक पूरा ना झुकोगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद का हाथ हमारी पीठ पर, हमारे माथे पर कैसे आ पाएगा? तो बिल्कुल पांव की तरफ झुक जाओ। अगर आप इंप्रेशन आधा डालते हैं तो घुटने तक झुकिए, पूरा डालना चाहते हैं तो पांव तक झुक जाइए, क्योंकि जब आप खड़े होंगे तो सामने वाला बोलना आपसे शुरू कर चुका है। आपने केवल पांव छुए और उधर से द आर्ट ऑफ टॉकिंग बातचीत की कला शुरू हो गई है, और पहला शब्द तब बुजुर्गों के मुंह से ये निकलेगा, आपके मुंह से पहला शब्द निकला अंकल धोक, और सामने वाला कहेगा बेटा जी तो रहे सुखी रहो बेटा। ये हो गई है बातचीत की शुरुआत, और शुरुआत करने के लिए हमने विनम्रता के साथ, शिष्टता के साथ, तहजीब के साथ हमने अपने आप को प्रेजेंट किया, अपने आप को उपस्थापित किया, और तब हमें दुआएं मिली, और दुआओं के साथ अब हमारी बात शुरू हुई। तो जब फिर अब हम जो बोलते हैं तो जहां तक हो सके पहली बात जब भी बोले तहजीब से बोले, जब भी बोले मर्यादा से बोले, जब भी बोले मधुर और मुस्कुराते हुए बोले, जब भी बोले शिष्टता और विनम्रता के साथ बोले। यहां तक कि अगर आप अपने बच्चों के साथ भी वाणी का उपयोग करते तो भी उनको भी आदर देते हुए बात कीजिए। अपनी जुबान से जहां तक हो सके तुम शब्द को हटा ही दीजिए, अगर आप बोलने की कला चाहते हैं तो तुम शब्द को छोड़ ही दीजिए। हो सकता है आप अभी तक अपने बच्चों को तुम कहने की आदत डाल रखे हो, पत्नी को तुम कहने की आदत डाल रखे हो सकता है, कई बच्चे अपनी मम्मी को भी तुम कहते हो, कई बच्चे कहते हैं मां तू कहते गए, जैसे कुत्ते को कहते हैं वो कुत्ता तू कहते गए थो। तुम शब्द को ही हम अपने दिमाग से हटा दें, मैं की बजाय हम शब्द का इस्तेमाल कीजिए, और तुम की बजाय आप शब्द का इस्तेमाल करने की आदत डालिए। तो परिणाम यह होगा कि अगर आप अपनी बेटी की बहू को भी अगर आप कहेंगे, बेटी की बहू को भी अगर जी लगा करके संबोधित करेंगे, तो जिंदगी में यह कभी संभावना नहीं है कि आपकी बहू आपके सामने कभी भी जीवाड़ा कर सके। अगर हम लोग अपनी बहू को, अपने बच्चे को सम्मान और इज्जत के साथ अगर बोलेंगे, ये नामुमकिन है कि बच्चे कभी भी हमारे सामने तू तू मैं करेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी। अरे यार मेरे पापा मुझे इतनी इज्जत देते हैं और मैं चार लोगों के सामने उनकी भी इज्जत करूं, उसकी हिम्मत नहीं हो पाएगी भीतर से। तुमको हटाइए, आप लगाइए। हिंदुस्तान की कहावत है वचने का दरिद्रता, अरे भाया बोलन में काहे री कंजूसी, बोलन में काहे री कंजूसी, बोलने में किस बात की कंजूसी। अरे यही चीज तो है जो लोगों को रोज रोज दी जा सकती है। खूब इज्जत से बोलो, अदब से बोलो, आदर देते हुए बोलो। एक बात तय है, किसी को भी अगर आप आदर देंगे तो सामने वाला आपको कभी भी गाली दे ये संभावना ही नहीं है, ये संभावना ही नहीं है। अगर आप अपने मम्मी जी के पास जाएं, सासू मां के पास, और जाकर पूछेंगे मम्मी जी आज सब्जी क्या बनानी है, तो मम्मी जी वापस क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, देख ले बेटा जो फ्रिज में है वही बना ले। आपने इज्जत दी, वापस क्या मिली आपको, इज्जत मिली, अधिकार मिला कि देख ले बेटा जो फ्रिज में हो बना ले, जो तुम्हें भाता हो बना ले। और अगर ना पूछा और ऐसे ही खाना बना डाला तो सासू मां कहेंगे कारी और सब्जी बनाई है, रोज रोज वही अच्छा ककड़ी 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 किसी खावा ककड़ी। इज्जत देकर के अगर ककड़ी की सब्जी बनाओगे, वे बनानी वही है, घर में वही है, पति देव ऑफिस गए हुए बनानी सब्जी वही है, पर अगर मम्मी जी को पूछ करके अगर हम खाना बनाएंगे, मम्मी फ्रिज में और तो कुछ नहीं ककड़ी है, ठीक है बेटा जो है वही बना ले, अधिकार मिल गया।
इज्जत दोगे तो अधिकार मिलकर के आएगा, बेइज्जत होगे लापरवाही बरतोगे, अगले की उपेक्षा करोगे तो अगला हमारी उपेक्षा करने के लिए पहले से तैयार है। वचनी का दरिद्रता बोलने में क्यों कंजूसाई करते हो? अपना जो शहर है ना है बहुत अच्छा, हम लोग देश में जहां भी जाते हैं वहां प्रेरणा दिया करते हैं, भाई जोधपुर की भाषा बोला करो। वो क्या है कि जिस घर में मैं पैदा हुआ हूं ना, आजकल बच्चों में फैशन चल पड़ी है, नई जो महिलाएं हैं ना बहुएं उनमें फैशन चल पड़ी है, वो मारवाड़ी नहीं सिखाती अपने बच्चों को, वो सभी लोग हिंदी, कोई भी बच्चे को हिंदी नहीं आती। अब 10 साल 15 साल के बाद मारवाड़ी मारवाड़ी वो भी लोगों के काम की चीज रह जाएगी, उनको लगता है जैसे कोई इमेज डाउन होती है उनको मारवाड़ी बोलने से। तो जिस घर में पैदा हूं मैं देखता हूं कि उनकी जो बहुएं हैं वो भी अपने बच्चों को हिंदी सिखाती है, तो बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे मारवाड़ी बोलता हूं और मारवाड़ी उनसे बुलवाता हूं, तो बोल तो जाती है पर कहती है मम्मी जी आई ना इससे पहले पहले तो मम्मी जी डांटती है, नहीं तो मम्मी जी डांटती है। मैं माताओं और बहनों से कहूंगा कि अगर आप आगरा में रांची में पैदा होते तो निश्चित तौर पर आदमी को हिंदी ही बोलनी चाहिए, अगर आप हरियाणा में पैदा होते तो निश्चित तौर पर हिंदी बोलनी चाहिए, पर जो जैसे शालीन भाषा के शहर में पैदा हुए और अगर आप साल लगाए बगैर अगर अपनी भाषा को बोलते हैं तो फिर सोचो कि आपके हाथ में ताकत क्या बचेगी, साल लगाकर बोलो। अरे ये तो वो शहर है जहां पर कहा जाता है कि जूते भी मारेंगे तो साल लगा करके मारे, किसी को जूते भी मारेंगे तो साल लगा लगा करके मारेंगे। अरे हम लोग तो साल साल सुनने के लिए भी शहर में आते, बाकी हमारा कोई हम ताकत थोड़ी रहता है। किसी घर में जाते हैं आहार चर्या के लिए तो पूछते हैं यहां बहन क्या क्या बना है, तो वापस जवाब में क्या मिलता पता है, सा ककड़ी सा भिंडी सा तुरई सा। अरे सास सास सुनने के लिए तो इस शहर में आते हैं और यही तो यहां की दौलत है, यहां का खजाना है। भाई अगर हम बॉम्बे जाना शुरू कर दें, अहमदाबाद जाना शुरू कर दें, तो ऐसे बैंगलोर या मद्रास जैसे शहरों में जाएं तो वहां तो दौलत ही दौलत है, लेकिन वहां पर सा 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 ये वहां नहीं है। अगर मिठास लेनी है तो जोधपुर में आ जाओ, और केवल पैसा और दौलत कमानी है तो बॉम्बे मद्रास बेंगलोर चले जाओ। एक दफा मार्क ट्वेन से पूछा गया, भाई तुम्हारा स्वर्ग कहां है? तो जवाब मिला, मेरी पत्नी के पास ही मेरा स्वर्ग है। तो पूछा, आप ये बात ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी ने आज तक पूरी जिंदगी में कभी मेरी बेइज्जत नहीं की, और वो सुबह से लेकर रात तक हमेशा मेरे सामने हमेशा मर्यादा और इज्जत के साथ पेश आती रही है, इसलिए अगर मेरा स्वर्ग कहीं है तो मेरी अपनी पत्नी के पास है। और वही अगर कोई आदमी कोई महिला अगर तेज तर्रार स्वभाव की और हर समय अगर खुशक की तरह अगर पेश आती है तो आदमी मर रहा होता है ना। लोग कहते हैं भाई तुझे हार नहीं होंगे, तेरी पत्नी को फोन करके बुला देते हैं। वो कहते हैं नहीं सर, मेरी पत्नी को मत बुलाना, मैं मरना वो मेरा मरना भी आराम कर देगी, मुझे शांति से मरने तो दो कम से कम, उसने मुझे जी नहीं दिया तो मुझे मरने तो दो कम से कम शांति से। स्वर्ग यही है, नरक यही है, बगल में स्वर्ग है बगल में नरक है। आपके इधर जो लोग बैठे हैं उनके पास स्वर्ग है, और आप लोगों के बगल में जो बैठी है वहां पर भी नरक हो सकता है। ये तो केवल एक तहजीब की बात है, एक मर्यादा की बात है, एक माधुर्य की बात है, एक मिठास की बात है। अगर आदमी को जिंदगी भर मिठास मिलती रहे, कोई आदमी किसी से तलाक नहीं लेगा। मिठास अगर खटास में बदल जाए तो पता नहीं तुम सोचते हो सात जन्म के सातवें दिन ही तलाक हो जाए, सातवें दिन ही तलाक हो जाए। जब भी बोलो कैसे बोलो, तहजीब से बोलो, जब भी बोलो तहजीब से बोलो, जब भी बोलो कभी भी कटु और टाट भरी वाणी का उपयोग मत करो, क्योंकि कटीला तीर अगर किसी के गढ़ जाए तो उसे निकाला जा सकता है,
पर कटु वचन का तीर अगर किसी को लग जाए तो महाभारत छिड़ जाता है। द्रौपदी के द्वारा कही गई ये टिप्पणी कि अंधे का बेटा अंधा होता है, यही महाभारत के निर्माण की मूल कहानी बनी थी, मूल भूमिका बनी थी। कोई ये ना समझे कि दुर्योधन इतना गिरा हुआ इंसान था कि अपनी भाभी को राज्यसभा में निर्भस्त करने की आज्ञा देता। हकीकत यह है कि आदमी को जब कोई कंटीला तीर कटु वचन का तीर गड़ जाता है तो आदमी अपने विवेक को भूल जाता है, ज्ञान का दीपक उसका भूल जाता है और परिणाम यह निकलता है कि वो कटु वचन का तीर द्रौपदी को सामने देख करके उभर कर आ जाता है और तब आज्ञा देता है कि सती को निर्वस्त्र कर दिया जाए। महाभारत बढ़ता चला जाता है, 100 कौरव मर जाते हैं, पांडवों में से कितनों की हानि हो जाती है, पर बीज कहां है आपके इस तो इसकी जुबान में सारे तीर सारे आधार छिपे हुए हैं। कहां है? केवल यहीं पर। जब भी बोलो मीठा मीठा बोलो, कभी भी कटु कठोर कठोर मत बोलो, कभी भी कठोर मत बोलो। जब लगे गुस्सा आ गया है, जब भी लगे गुस्सा आ गया चुप हो जाओ, क्योंकि गुस्सा आ सकता है। मेरे कहने से आपका गुस्सा मिटने वाला भी नहीं है, क्योंकि सांड तो जिंदगी भर सांड ही रहेगा, कितना भी उसको समझा दे, सांड तो सांड ही रहेगा। सिंह मारने की आदत है, वो तो मारेगा ही, सांप सांप ही रहेगा, फुकार मारेगा ही, कितना भी उसको समझा दो। अब कोई महावीर स्वामी जैसे लोग मिल जाए और चंद्रकोशी का क्रोध ठंडा पड़ जाए तो बात अलग है। पता नहीं लोग कूलर क्यों चलाते हैं, लोग एसी क्यों चलाते हैं, इतने दिनों के लोगों को एसी चलाते हैं, मगर अभी भी कमरे को तो कंडीशन कर दिया, खुद को कंडीशन नहीं कर पाए। कमरे को तो कूल 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 कर दिया, मगर अभी खुद बर्फ की टुकड़ी ना हो पाए, खुद वैसे के वैसे। मुझे तो कभी लगता है ना कि आज मिजाज थोड़ा तेज हो गया है, तो कहते मैं थोड़ा कूलर चला दो, 5 मिनट तक ठंडा हो जाए भीतर से आदमी, भीतर से ठंडे ना हो गए, जो कूलर भीतर तक ना पहुंचा वो कूलर केवल पंखों का कूलर है, वो कूलर जिंदगी का कूलर नहीं हो सकता। जब भी लगे गुस्सा आ गया 5 मिनट के लिए ठंडे हो जाओ, मुझे ठंडा पानी पी लो, चुप हो जाओ, सबसे ही चुप, क्रोध का एक ही इलाज है चुप, शांति, 5 मिनट के लिए शांति। ज्यादा नहीं, कोई भी आदमी क्रोध के पैदा होने पर मात्र 5 मिनट तक लिए शांति रखने में अगर सफल हो जाता है, वो व्यक्ति अपने आने वाले 5 दिनों को दुखी होने से बचा लिया करता है। 5 मिनट की शांति, क्रोध जब भी आ जाए एक ही साथ में चुप, अब बोलो मत, क्योंकि क्रोध में जब भी बोलोगे, क्रोध हमेशा समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह गहरा होता है और आग की तरह उतावला होता है, फैलता है शरीर में, समुद्र की तरह उतावला होता है और आग की तरह। तो ध्यान रखो जब भी क्रोध आ जाए शांति, क्रोध जब जब पैदा होता है खुशी खत्म हो जाती है और हंसी की हत्या हो जाती है। जब जब क्रोध आए 5 मिनट के लिए शांत चुप, सबसे मीठी चुप मान, 2 घंटा मान रखने की आदत डाला करो भाई, बहुत बहुत आका उका कर लिया है, पूरी जिंदगी निकल दी आका उका कर देगी। ये जो गाल पिछके दिन के दिखते थे वो सारे दिन पिछके हुए पता से, जिनके भी गाल पिछके हुए नहीं, सारे पिछके हुए पता से सब गुस्सा कर करके अब तक के फंसाते गए हैं, दबाते गए हैं, खून जलता रहा है। मीठे मीठे बोल था रुपये लगे, मुस्कुराते बोलो, मिठास से बोलो, अपने बाप उन्हें लागे थे, बोले फिर क्यों मैं कभी सही करूं भाई, मेरे पापा जी कुछ नहीं लगता, आपके पापा जी का भी कुछ नहीं लगता, तो फिर इसको मिठास से क्यों ना बोले। क्रोध आ गया, 10 मिनट के लिए घर से चले जाओ, दोस्त से मिलने चले जाओ, फिल्म देखने चले जाओ, कहीं भीतर बैठे शांति से संगीत सुनना पसंद करते हो तो संगीत सुनना पसंद कर लो, पर क्रोध आ जाए तो शांत रहो शांत रहो शांत रहो। ऐसा हुआ एक आदमी, ऐसा हुआ कि एक आदमी फिल्म हॉल में गया था अपनी पत्नी को लेकर, पत्नी को लेकर के गया था फिल्म हॉल में, बच्चा था साथ में, फिल्म
रोने लग गया, तो जैसे रोने लगा पति ने कहा इसको चुप करना, चुप मुझे कर तो रही नहीं मानी, मुझे दूध तो पिला, मुझे पी नहीं रहा, मुझे कैसे नहीं पिएगा, ना मुझे मुझे पी नहीं रहा कैसे दो, अरे ये क्या नहीं पिएगा इसका बाप पिएगा, ये क्या नहीं पिएगा इसका बाप पिएगा। जब जब क्रोध आता है ज्ञान का दीपक बुझ जाता है, तब पता नहीं रहता क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। क्रोध आते ही टेम्परेचर हाई, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हो ऊंचा नीचा, तो सबसे मीठी क्या है, चुप। जब जब लगे बोलो तो मीठा 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 बोलो, कड़वा कठोर वचन मत बोलो। और जब जब लगे कि बोलते समय या कोई बात चुप गई और गुस्सा आ गया तो क्या इलाज करो, 10 मिनट की चुप्पी साध लो, 10 मिनट का मौन ले लो,